Hi my beauty bees, welcome back to my channel. This is Suman and today I'm going to share a very very important video for your skin. As you know, मेरी oily and sensitive skin है, so after office मेरे skin पर बहुत ज़्यादा oil होता है और sensitive skin की वजह से redness होती है. So मुझे एक ऐसा skin care चाहिए था जो मेरे skin पर changing weather के साथ काम करे. So I had just discovered it and I am going to share with you today. सो एज यू नो, जो हमारे उबटन के फेस वॉशेज होते हैं जो हम नेचुरली घर पे बनाते हैं, इतना टाइम नहीं होता है कि घर पर हम अगर बनाएं और इसे लगाएं. सो आप इसे यूज़ कर सकते हो अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा अनइवन स्किन है और बहुत ज़्यादा यू नो पिम्पल है, ब्लेमिशेज है. सो फर्स्ट फेस वॉश है. सेकेंड जो मैंने ट्राई ऑन किया है ये है वाव का उबटन फेस एंड बॉडी पैक. एंड थर्ड है वाव का उबटन फेस एंड बॉडी स्क्रब. मैं इसके इंग्रेडिएंट्स, प्राइसिंग सब कुछ साथ साथ डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ, बिकॉज मैं इसका इन डेप्थ रिव्यू देना चाहती हूँ. जस्ट नॉट लाइक कि मैंने लगाया दिखाया और आप खुश हो गए, नॉट लाइक दैट. मैं इसको इन डेप्थ रिव्यू में ले जाना चाहती हूँ बिकॉज इसके अंदर ऐसे ऐसे इन्ग्रीडियंट्स हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे. सो माई ब्यूटी वीज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा इस वीडियो को अगर पसंद आए, एंड ऑल्सो कॉमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी. सो लेट्स बज इन टू दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शेयर द फर्स्ट फेस वॉश. वाओ, और इनका जो उबटन फेस वॉश रेंज है, उबटन रेंज, और ये फोमिंग फेस वॉश है. जैसे मेरे जैसे आलसी लोग जो हाथ भी यूज़ नहीं करना चाहते अपने फेस पे, सो उनके लिए ये बहुत बेटर है बिकॉज इसके अंदर आपको मिलता है यू नो सिलिकॉन का ब्रश जो आपके फेस पर बहुत अच्छे से वर्क करता है. एंड यहाँ पर आपको जो इसकी प्राइसिंग मिलती है ये है 399 rupees फॉर 150 ml. इसके अंदर 50 ml मुझे एक्स्ट्रा भी मिला है साथ में. एज यू नो वाव के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर सल्फेट्स वगैरह, पैराबीन्स, ये सब नहीं होता है. सो आई वॉज सो हैप्पी. बेसन, टर्मरिक, रोज, और इसके अंदर आपको सैंडलवुड ऑयल भी मिलेगा. सैंडलवुड ऑयल, आलमंड एक्सट्रैक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं इस फेस वॉश में. बहुत ही अमेजिंग है, इसकी स्मेल रिफ्रेशिंग है. तो इसे अच्छे से आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है. आप इसे जब यहाँ से स्क्वीज करेंगे, लाइक पुश करेंगे इसे, तो यहाँ से ये निकलता है और आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है इसे अच्छे से. मैं इसे लगाती हूँ अराउंड 1 to 2 minutes में इसे अच्छे से लगाती हूँ बिकॉज मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है. सो ऑफिस के बाद मुझे ये रोज़ वाली स्मेल बहुत अच्छी लगती है, मैं इसे लगाती रहती हूँ. 1 to 2 minutes इसे लगाना है एंड देन रिंस इट ऑफ. आपका फेस ऑयल वगैरह सब कुछ निकल जाएगा बिकॉज इसके अंदर बेसन है, तो आपके फेस पर ऑयल बिल्कुल नहीं रहने वाला है अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे. तो सेकेंड जो मैं यूज़ करती हूँ उसके बाद वो है वाव का फेस एंड बॉडी स्क्रब. मैं इसे बॉडी में भी लगाती हूँ एंड फेस में भी. इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपको याद होगा हम लोग एक जो सरसों का उबटन बनाते हैं, मैं स्पेसिफिकली लगाती हूँ. स्टिकल्स होते हैं, बहुत ही फाइन नहीं है बिकॉज फाइन जो होते हैं वो आपके स्किन के लेयर को यू नो ब्रेक डाउन कर देते हैं और जो बहुत ज़्यादा हार्श होगा वो आपको चोट पहुँचा देंगे. तो इसके अंदर बिल्कुल सही वाला स्क्रब है, तो आप इसे लगाइए और यू नो बहुत ही अच्छे मोशन में इसे अप्लाई करें. वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, अगर आप इसे डेली यूज़ करेंगे तो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे. मेरे यहाँ जनरली बनते हैं तो मैं इसे डेली यूज़ करती हूँ नोज़ एरिया पे. वैसे मैं अल्टरनेट डेज पे यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरी सेंसिटिव स्किन है, मैं डेली स्क्रबिंग नहीं कर सकती हूँ, मैं इसे अल्टरनेट डे पर यूज़ करती हूँ. तो इसे अच्छे से आपको अप्लाई करना है अपने फेस पर. फिंगर से अप्लाई करिए एंड देन फिंगर से मसाजिंग मोशन में इसे लगाते रहिए. वेट करिए या फिर नहीं भी आप 2 to 3 minutes से मसाज करिए एंड देन रिंस इट ऑफ. आपका फेस स्क्वीकी क्लीन एंड सॉफ्ट सॉफ्ट टेक्सचर वाला होगा. एंड थर्ड जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये है वाव का उबटन फेस एंड बॉडी पैक. ये फेस एंड बॉडी पैक दोनों के लिए है. तो अगर आपको जैसे एक और चीज़ मैंने इसमें नोटिस की थी, जैसे डी टैनिंग वाला इफेक्ट है, जैसे आपके अंदर आपके फेस के ऊपर जो डी टैनिंग होती है, जो स्लाइटली पिगमेंटेशन आ जाती है लाइक यहाँ पर लिप्स के अराउंड, तो अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो ये इफेक्टिव है. एंड वन थिंग मोर कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको स्लाइटली हैवी लगेगा लाइक फेस पे कि ये क्या लगा लिया, बट ट्रस्ट मी इट गोना वर्क आउट. मुझे काफ़ी अच्छा लगा था एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि जब आप इसे लगाते हैं तो सेटल डाउन होकर बैठिए आराम से और इसे लगाइए. 15 minutes, maximum 20 minutes आप दे सकते हो बिकॉज मैं 20 minutes देती हूँ. मुझे इसका
फ्रेगरेंस बहुत पसंद है और जो ये जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत अच्छा लगता है। साथ में इसमें स्पैचुला दिया है वो भी बहुत अमेजिंग लगता है मुझे। वैसे लगा के आराम से बैठकर अपने डिवाइसेस को चलाती हूँ एंड देन आई जस्ट रिंस इट ऑफ एंड मैं अपना प्यारा सा मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ कोई भी एंड आपको फेस पर ग्लो ही ग्लो ही मिलेगा। प्राइसिंग है इन्होंने दे रखी है 499 रुपीज़, 2 ईयर की शेल्फ लाइफ है और साथ में आपको मिलता है 200 ml ऑफ दी प्रोडक्ट। स्क्रब की बात करें तो स्क्रब की जो प्राइसिंग है 399 विद 2 शेल्फ ऑफ लाइफ एंड 2 ईयर शेल्फ ऑफ लाइफ एंड 200 ml ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस इज द रिव्यू फॉर वाओ स्किन केयर उपटन रेंज। अगर आपको उपटन के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड गाइस। अगर आप यू नो कोई भी स्किन हो, मैं ये नहीं कह रही ऑयली तो मुझे सूट किया, तो आपको भी अगर आपको लगता है या ये करना ही चाहिए, आप इसे पैच टेस्ट करिए यहाँ पर लगा के हल्का सा, या फिर यहाँ पर अगर आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस होते तो आपको पता चल जाएगा। मुझे ये बुरी तरीके से सूट किया था एंड आई एम इन लव विद माई स्किन एंड दिस न्यू स्किन केयर, सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड टू यू। एंड या गाइज, दिस वॉज माई रिव्यू फॉर वाओ स्किन केयर उपटन रेंज। एंड अगर आपको पसंद आया है ये प्रोडक्ट तो लिंक जो है सब प्रोडक्ट का है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऑल्सो कॉमेंट गाइज कि आपको कैसे लगी वीडियो, नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @lovepureTV एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू।